लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। सिवान डीएम और निर्वाचन पदाधिकारी सुश्री रंजीता और एसपी नवीन चंद्र झा ने चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। डीएम सुश्री रंजीता ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव को लेकर सीसीए लगाने की भी तैयारी हो चुकी है। डीएम ने बताया है कि नामांकन से 7 दिन पूर्व तक वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जोड़ने का काम किया जाएगा। देखिए डीएम ने चुनाव को लेकर और क्या क्या कहा। आज की यह बैठक बुलाने का उद्देश्य है आप लोगों को इस बात से अवगत करवाना कि कल ईसीआई के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए पोस्टर बैनर्स, जिससे किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को लाभ हो, वैसे पोस्टर बैनर्स 24 घंटे के अंदर सरकारी प्रीमाइसिस से हटा देंगे। पब्लिक प्रीमाइसिस से 48 आवर्स के अंदर हटेंगे और 72 आवर्स के अंदर हटेंगे प्राइवेट प्रीमाइसिस से। तो ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है उसमें हटाने का। तो 72 घंटे के अंदर सभी तरह के पोस्टर बैनर्स जो भी हैं वो हट जाएंगे, किसी राजनीतिक दल को लाभ या व्यक्ति को लाभ पहुँचाने वाले, और उसके तहत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर उसका अनुपालन नहीं करते हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं हटाते हैं, तो फिर उनके विरुद्ध MCC के तहत कार्रवाई की जाएगी, IPC की धाराओं और RP Act की धाराओं के तहत। इसके अलावा पूरे ज़िले में कल से ही धारा 144 लगा दी गई है और अब हम लोग धारा 107, 110, 116 और CCA एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। जो लोग निर्वाचन में दिक्कत पैदा करने की कोशिश करेंगे ऐसे लोगों के विरुद्ध। पर्ची के ऊपर मतदाता पर्ची जो वोटर स्लिप जो बटते रहते थे और विगत वर्षों में उसके ऊपर लोग मतदान करते थे, तो इस बार केवल मतदाता पर्ची वोटर स्लिप लेकर अगर जाएंगे वोटर तो उनको वोट करने नहीं दिया जाएगा। उसके साथ जो 11 अधिसूचित ID कार्ड हैं, पहचान पत्र हैं, वो लेकर जाएंगे। जैसे आपका पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, या किसी सरकारी दफ्तर में आप काम करते हैं तो दफ्तर प्रमुख के द्वारा इशूड जो फोटो सहित आईडी कार्ड होता है, इस तरह के 11 दस्तावेज आयोग ने जारी किए हैं, जिसको उसमें से कोई ना कोई एक दस्तावेज लेकर आपको जाना पड़ेगा। सिर्फ वोटर स्लिप लेकर जाएंगे तो वोट करने नहीं दिया जाएगा। इपिक लेकर जाना, इपिक जो मैडम जारी किया जाता था वो उसमें चेहरा नजर नहीं आता था, फेस नजर, उसके लिए क्या कुछ किया गया? इस पर पहले चूंकि ब्लैक एंड व्हाइट होता था जिससे थोड़ा सा फेस ब्लर्ड दिखाई देता था, इस बार कलर्ड इपिक सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसमें काफ़ी स्पष्ट और चेहरा दिखाई देगा। और इस बार काफ़ी उसके ऊपर फोटो मैचिंग मिस मैचिंग के ऊपर भी काफ़ी काम किया गया है, तो इस बार वो समस्या नहीं है। मैम, नाम जुड़वाने के लिए कहाँ संपर्क करना होगा, कब तक तिथि है इसकी? नाम आप जुड़वा सकते हैं, कंटिन्यूअस अपडेशन अभी भी चल रहा है और नामांकन की तिथि के 7 दिन पहले तक नाम जुड़वाया जा सकता है, परंतु जैसे ही हमें आवेदन प्राप्त होता है 7 डेज का स्टैट्यूटरी पीरियड होता है नोटिस वगैरह का, तो उसको ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र लोग अपना नाम जुड़वाने हैं तो Form 6 दे दें, हम लोग अभी जोड़ने का काम चल रहा है। वोटर लिस्ट से संबंधित जानकारी के लिए मतदाता कहाँ संपर्क करें? कुछ आपको वोटर लिस्ट से संबंधित जानकारी के लिए आयोग के वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, और नहीं हो तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1950, उसके ऊपर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1950 में दर्ज करवा सकते हैं, NGRS पोर्टल के जरिए दर्ज करवा सकते हैं, और एक CVIGIL ऐप इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके जरिए भी आप कोई शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप शादी के लिए ले जा रहे हैं, लाख रुपया ले जा रहे हैं, अगर आपको फ्लाइंग स्क्वाड की या SST की टीम ने पकड़ लिया, वो टीम तत्काल रिपोर्ट करती है DDC की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित है, कमेटी के पास सुनवाई होगी। वो वहाँ पर अगर जाकर अपना जस्टिफिकेशन वो दे देते हैं कि भाई हमारा ये बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट से हमने निकाला है और इस पर्पज से ले जा रहे हैं, अगर वो सही कमिटी पाती है कि ये ठीक है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। पैसे की रिकवरी होगी, लीकर तो अब उसके लिए हमारे यहाँ अलग कानून ही है, तो उसको उसके तहत डील किया जाएगा। और अगर पैसे की रिकवरी होगी 10 लाख से नीचे अमाउंट अगर होगा जिसकी रिकवरी होती है, जो अनऑथोराइज्ड तरीके से इलीगल मींस से निकला है और इलीगल काम के लिए जा रहा है,
उसके सीजर के बाद उसके उसको रिलीज़ करने के लिए डीडीसी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाती है। वो वहाँ पर उसका विचारण होगा कि इसका जो 10 लाख रुपया अगर कोई कैश लेकर जा रहा है तो उसका सही उपयोग के लिए सही जगह से, मतलब लीगल तरीके से निकासी की गई है और लीगल जगह पे जा रहा है तो उसको छोड़ा जाएगा, और अगर इलीगल पाया जाएगा तो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी। 10 लाख से ऊपर का अमाउंट अगर रिकवर होगा तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने